मैं क्या भी मसीह पानी पी लग बोतल शरबत हाँ जी जो ए करके देखा सिख तलवार ले जाए अच्छा जी जो तलवार ले जाए तो मैं मसीह दंधा छोटिया छाल मार दी वो मेरे मगर लग गया ठीक है जी बड़ा उन्हें जोर मारिया और मैं वो हाथ नहीं आया ताडे पिंड की बर्फी खवाई है फिर उधर दी लै के आए आ उधर ए चेक करो खाओ उदों ये भी बंद सत्या झूठ नहीं मारद हाँ जी जे कह पैसा देना तो घर जा के तुर कर देना हाँ जी कहना तो हूँ तो हाथ ना हाथ कहते लाओ अल्लाह ही वसया वो कहने कहा भी असी थोड़े ना दुख कोई नहीं असी लालच न मारना ठीक है जी तो तुम कि मानते अस क्या यही कुरान उन्हें कहा भी आपके कुरान में याद करके जो चीज है ठीक है जिन्ना को बंबा सगा ना सारे अड्डी भी ढेरी चुंबा भी लग गई कोई जोड़े पैसे थे जो उन्हें समझ पाती ला जी उन्हें फिर पिछे हाथ दिता मैंने ऐसे ऐस काम बाद मारना भी है अपन हाँ जी भाजी असं इतने आए थे तो बाबा जी ने जब पता लगा कि सरदार आए हैं इतने तो बाबा जी ने इन्हों भेजा कहें भी सरदारों मिलना मैं गल करनी है उन्होंने तो असं इतने आए बाबा जी ने दुआ सलाम किया मिले तो बाबा जी ने गल्लां शुरू कीतियां तो बाबा जी इधर लाया कहते बैठो असं गल्लां करनियां मैं अपने इलाके दियां तो फिर बाबा जी ने सानू काफ़ी गल्लां दसियां तो आप बाबा जी ने गल्लां बातें करते हैं तो बाबा जी तुसीं तुहाडा नाम की है बाबा जी रजब रजब ठीक है जी तो तुम उधरों आए हैं अपने कपूरथले तो ना रियासत तो हाँ कपूरथला साढ़े दस मील से सुल्तानपुर पांच मील से सुल्तानपुर ना की सी तो पिंड का मोठाला सिगे तो दत्ता साधे से कहने मोठा ही रोटी पकाती कमरा सी वो मोठा पा गया ठीक है जी मैं जलंधर तो हाँ जी मेरा भी पिंड तुहाडे नेड़े ही है उत्थे अच्छा हाँ जी मेरा रामा मंडी तलन दे कोल उच्चा पिंड है जी हाँ मेरा तलन दे कोल उच्चा पिंड तलन सुनिया तुसी रामा मंडी हाँ हाँ बस उहदे कोल जी मेरा पिंड अच्छा हाँ जी ता फिर लाग गई है हाँ जी हाँ जी मैं गुआंढी हाँ जी तुहाडे ते तुसी बाबा जी फिर सानू कुछ दसो स्टोरी कदों आए तुसी ते तुहाडी उम्र किन्नी सीगी उदों 22 साल दी 20 साल दी 22 साल दी उम्र सीगी जो अस पिंडों उठे तो गड्ढे जोड़े तो चले गए कोई चीज भुद गई तो मैं लैन गया तो ते बड़ी लगी मैं क्या भी मसीह पानी पी लिया एक बोतल लिया शरबत हाँ जी जो ए करके देखा सिख तलवार ले जाए अच्छा जी जो तलवार ले जाए तो मैं मसीह दंधा छोटिया छाल मार दी वो मेरे मगर लग गया ठीक है जी बड़ा उन्हें जोर मारिया और मैं वो हाथ नहीं आया ठीक है निकल के फिर गड्डिया मार डालिया उठो असं जो आए तो उठे असं बैठे रहे 10 दिन पलाना पिंड से ठीक है जी उठे हम माल डेंगर सगा कद देग चौलों की रिन लैनी कद खीर की रिन लैनी खाते पीते रहे साडा बाप सीगा गड्डे हेठा बैठा तो साडा एक बैठ का मारता बहुत सी वो एक मेरे भरा से रहा नहीं छड़ता बंदन तो बैठ का बड़ा सिस रहा उन्होंने उधरों बैठ के नहीं पा लिया उन्हें बर्छी मारी तो उन्हें अगे हुक्का हुक्का कर दो बैठ के नहीं पाया उन्हें हौला दुख छड़क च मारिया ठीक है सिख ने जो मारिया तो फिर उन्होंने वो नहीं पै गई उन्हें फिर उन्हें तबाका पाया तबाका पा के तो बह गए
तो साडा बाप जड़ा ना आख से ने सी वो गड्डी उड़ने के के रड़ के कि वो आका जा बैठा। ओके जो जा बैठा ते वो असी फिर भज्जे हां दूर ताई जो उधरों भी चकाऊं ते फिर वो अल्लाह ही वो बसया उहदे विच ते कदे उन्हें कहा भी असी तुहानू तुहाडा ना दुख कोई नहीं असी लार्ज नूं मारना। ठीक है जी ते तुसीं किहनूं मानदे असी गया यही कुरान नूं उन्हें कहा भी आप दे कुरान नूं याद करके जो चीज़ है जीरा ठीक है जिन्ना कोई बंबा सीधा ना सारे अड्डी ढेरी चुंबा ही लग गई कोई जोड़े पैसे थे जो उन्हें समझ पाती थी। हाँ जी ला जी उन्हें फिर पिछे हाथ दिता मैंने ऐसे काम बस मारना भी है अपन देता। ठीक है उतो लैके हूँ वो जरा लीडर सगा वह सू मगर लादा सी उन्हें गोली चलानी सी जब एक बंदा साडा ना अगले काफले जा रहा जा उठे साढ़े पिंड का फौज मुंडा नौकर तो उन्होंने आर्डर नहीं सी इधर फौज में जान का और जो उन्हें क्या अपना पिंड मार दिता सारा उन्हें आपके अफसर ने कहा मैं आपका पिंड देखना मैंने अंदर ही गोली मारनी खैर अफसर कहेंगे खड़ो जा उन्हें फिर मशीन बीड़ी तो उन्हें बिठा लिया तो वो सिखी जी जुड़ी खड़ी थी वो जो उत्ते आके मारी ना तो डिगे जो तो फिर भज गए सारे तो फिर वो मगर लाया उस पोल भंग है लीडर से उन्हें मार देना सीगा पाती बड़ी उतो जो मुड़े तो उन्होंने कहा भी आ जोड़ा समान है कोई जड़े बंबे है चुक लो ये ना कहो मैं आपका ही चुकना इन्होंने कोई चुकया कोई जो ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਆਣ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਦਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਦਵਾਉਣੇ ਬੀਜ ਜਾਣੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਜੁਆਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਮੁਹਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਣੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਮਾੜ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ 30 ਮਾੜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਮੱਕੀਆਂ ਖਾਈ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬਰਾਨਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ। ਠੀਕ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਲਾਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਕੋਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਲਾਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਲੀਆ ਟੋਗਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਭਲਾਣਾ ਸੀ ਬਾਜਦਾ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਫੀ ਖਵਾਈਏ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉੱਧਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਖਾਓ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਧਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਐਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰੀ ਦੇਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ
गलियां सी लंबियां साढ़े पिंड बहुत रुड़क है खुल के कर उपरले पास चला गया उधर बोलते रहे कोई बंदे गए तो उन्हें क्या यार बहुत उन्हें क्या साढ़े को पंजा सत्त साल आया भी बंद सत्या झूठ नहीं मारते हाँ जी जे कह पैसा देना तो घर जा के तुर कर दे हाँ जी कहना तो हूँ तो हाथ ना हाथ कहते लाओ वधिया टाइम सके बाबा जी है बहुत वधिया टाइम सके वो